सर, वैसी स्थिति परिस्थिति में जब गिरिराज सिंह बीजेपी के सहयोगी दलों की आंखों में खटक रहे हैं अपनी यात्रा की वजह से, और गिरिराज सिंह को फिर स्टार प्रचारक बनाया जाना, तल्खी बढ़ेगी एनडीए में? भाई, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी देख लीजिए जरा। योगी ने नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब क्या है कि हिंदू अगर बटेंगे, विभाजित होगा उनका वोट बैंक, तो कटेंगे, मतलब खतरा है जान पर। किससे? अल्पसंख्यकों से। तो जहाँ ये सिद्धांत है बीजेपी का, ये नारा है कि कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो बीजेपी बिहार में भला गिरिराज को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सहमत का खेल भी चल रहा है, ऐसा लगता है। सियासी शतरंज पर चालें चली जा रही हैं, यह भी साफ तौर पर दिख रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट का जो चौथा नाम है वो नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ाने वाला नाम है, या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की तल्खी बढ़ाने वाला नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। भाजपा के लिए 40 स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे। बीजेपी जिन 2 सीटों पर लड़ रही है, तरारी और रामगढ़, और जानते हैं वो चौथा नाम किसका है? चौथे नंबर पर नाम है गिरिराज सिंह का। ये वही गिरिराज सिंह है जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये वही गिरिराज सिंह है जिनसे बीजेपी ने पल्ला झाड़ा, कहा इनकी यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये वही गिरिराज सिंह है जो जेडीयू और नीतीश कुमार की आंखों में खटक रहे हैं, और ये वही गिरिराज सिंह है जिनके बारे में चिराग पासवान की पार्टी भी कह रही है कि गिरिराज सिंह वैमनस्य फैला रहे हैं, गिरिराज सिंह को अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए, गिरिराज सिंह मोदी को बदनाम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं, श्रीकांत प्रत्यू सर, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सामान्य घटना है कि गिरिराज सिंह से बीजेपी पल्ला भी झाड़ रही है और गिरिराज सिंह को बीजेपी स्टार प्रचारक भी बना रही है। सर, वैसी स्थिति परिस्थिति में जब गिरिराज सिंह बीजेपी के सहयोगी दलों की आंखों में खटक रहे हैं अपनी यात्रा की वजह से, और गिरिराज सिंह को फिर स्टार प्रचारक बनाया जाना, तल्खी बढ़ेगी एनडीए में? भाई, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी देख लीजिए जरा। योगी ने नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब क्या है कि हिंदू अगर बटेंगे, विभाजित होगा उनका वोट बैंक, तो कटेंगे, मतलब खतरा है जान पर। किससे? अल्पसंख्यकों से। तो जहाँ ये सिद्धांत है बीजेपी का, ये नारा है कि कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो बीजेपी बिहार में भला गिरिराज को कैसे नज़रअंदाज कर सकती है? गिरिराज सिंह तो हिंदुत्व के चेहरा है, बीजेपी के फेस हैं, और उनको तो बीजेपी का सबसे बड़ा नेता भी कह सकते हैं। आज की तारीख में बिहार का बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है जिसको सब जानते हैं? कौन फेस है? गिरिराज है, ठीक है। गिरिराज सिंह शायद एकमात्र वैसे नेता हैं जिनके सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है, या वो कर सकती है जो नीतीश कुमार के न चाहते हुए वो नहीं कर सकती? बिल्कुल। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड है, और कभी उन्होंने अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया, अपनी शर्तों पर सरकार चलाते रहे। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज भी सीधे नहीं करना चाहती है, लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने से भी रुक नहीं रही है। बीजेपी के नेता कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत यात्रा है। लेकिन उसी यात्रा में बीजेपी के तमाम नेता दिखाई दे रहे थे, और भाई अब गिरिराज सिंह की निजी यात्रा कैसे इसको बता सकते हैं? गिरिराज सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े फेस हैं, और बीजेपी के निर्देश पर ही उन्होंने यात्रा निकाली होगी, अपने मन से थोड़ा निकाल दिया होगा। तो गिरिराज सिंह एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि उस यात्रा से उसका लेना देना नहीं है। तो बीजेपी अपना काम कर रही है, उसका कुछ लेना देना नहीं यात्रा से, कहा कि नीतीश कुमार के ईगो को संतुष्ट कर रही है कि भाई हम हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं खेल रहे हैं, हम आपके सिद्धांतों के साथ हैं, ठीक है ना। गिरिराज को करने दीजिए, वो तो अपने व्यक्तिगत यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को तो फायदा मिलेगा,
बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो तो आगे बढ़ रहा है। तो नीतीश कुमार को नाराज नहीं करते हुए बीजेपी कैसे अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है आप देख रहे हैं। और यूपी में जब योगी जैसा मुख्यमंत्री नारा दे, अच्छा इस सिद्धांत पर काम करे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसका असर बिहार पर नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज भी नहीं करना चाहती सीधे, माने कि नहीं हम हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा भी रही है चुपके से, अपने एक नेता को आगे कर भी दिया और ये भी कर रही है भाई उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो पहले वाले नीतीश कुमार थे, अगर वो नीतीश कुमार होते तो इसे भी बर्दाश्त नहीं करते। एक आखिरी सवाल है, इसका मतलब यही है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी जिन दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है, रामगढ़ और तरारी, वहाँ एजेंडा हिंदुत्व ही होगा और हिंदुत्व कार्ड के जरिए ही भाजपा अपनी राह आसान करने की कोशिश करेगी, इसी एजेंडे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। देखिए ये बीजेपी की ही परीक्षा नहीं है, केवल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ी परीक्षा है। पिछले चुनाव में आरजेडी ज़्यादा सीटों पर जीत गई थी और इस जीत का मतलब क्या था, कारण क्या था, ये सोचना होगा। देखिए चिराग पासवान अकेले सभी सीटों पर लड़ गए थे, खास तौर पर उन सीटों पर जिन सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के नेता चुनाव लड़ रहे थे, उस वजह से आरजेडी को बहुत सफलता मिली, जितना सोचा भी नहीं था उतनी सीटें मिल गई। इस बार उनकी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि इस बार चिराग पासवान बीजेपी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज भी उन्होंने कह दिया कि लोग चाहते हैं कि मोदी से दूरी हो बढ़ जाए, वो होने वाला नहीं। बीजेपी को छोड़ भी दे, नीतीश को तो नहीं छोड़ने वाले हैं जिस तरह से गुलदस्ता लेके बार बार जा। नीतीश को नहीं छोड़ेंगे, नीतीश को साथ रखना चिराग की मजबूरी है और नीतीश की भी मजबूरी है चिराग को साथ रखना, क्योंकि चिराग अगर अलग हुए तो सब खेल बिगाड़ देंगे जैसा पिछले चुनाव में बिगाड़ा था। सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को चिराग की वजह से हुआ था। तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि चिराग एनडीए से अलग हो और चिराग भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार नाराज रहें, क्योंकि नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर ही चिराग पासवान बीजेपी से 30-35 सीटें ले सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को नीतीश कुमार 15 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे, चिराग को, और बीजेपी भी तैयार नहीं थी। 15 सीट की वजह से ही चिराग को अकेले मैदान में उतरना पड़ा। इस बार अगर 30 सीट लेना है, 25 सीट लेना है, 35 सीट लेना है तो नीतीश कुमार का साथ जरूरी है, तो चिराग पासवान उनसे नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि ये अग्नि परीक्षा है तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी, क्योंकि उन्हीं की सीटिंग सीटें हैं, दो सीटें आप बेलागंज का हल लीजिए और फिर रामगढ़, दोनों बहुत मजबूत सीटें उनकी हैं जिस पर कभी हारे नहीं, तो वो सीटें बचा पाती है कि नहीं आरजेडी, ये तेजस्वी की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब प्रशांत किशोर ने तो अभी पूरा बिहार का दौरा भी नहीं किया है, 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन ही किया है और चुनाव में उतर गए, ये अति उत्साह कहा जा सकता है, या ठीक है चुनावी अनुभव होगा, इससे ज्ञान होगा, क्योंकि चुनावी अनुभव कम है ना तभी तो ऐसे उम्मीदवार बना दिए जिसका नामांकन ही नहीं हो सकता। देखिए वो स्थापित पार्टियों के लिए काम करते रहे हैं, इस तरह की समस्याओं से उनका पाला नहीं पड़ा होगा, लेकिन अब पड़ गया तो सीख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि इन चार सीटों को एक बड़ी चुनौती के रूप में वो ले रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि ये चारों सीटें बहुत मजबूत गढ़ हैं, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, ज़्यादा इंडिया गठबंधन का की सीटें मजबूत हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब तरारी से माले को हराना भी बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन चूंकि सुनील पांडे को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है, किस लिए, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। आप सोच सकते थे कि बीजेपी सुनील पांडे को अपना उम्मीदवार बना देगी उनके बेटे को, नहीं उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने बनाया, क्योंकि किसी भी हालत में वो सीट जीतना है। ठीक है, वो नीतीश कुमार क्या मनोरमा देवी को कभी उम्मीदवार बना सकते थे, आप सोच सकते हैं, जिसके खिलाफ एनआईए की जाँच चल रही है, जिस पर नक्सलियों से सीधा संबंध का आरोप है, क्यों बनाया, किसी भी कीमत पर आरजेडी के गढ़ को तोड़ना है, वो सीट जीतना है, तभी ये संदेश दे पाएंगे कि एनडीए अगले चुनाव में बहुमत के साथ आने जा रहा है। और प्रशांत किशोर की कोशिश ये है कि इस उपचुनाव में कम से कम दूसरे नंबर के खिलाड़ी भी वो बन जाते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, माना जाएगा कि ठीक है भाई 2025 के चुनाव में उनकी दखलंदाजी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो प्रशांत किशोर की परीक्षा ही नहीं है चुनाव, मुझे लगता है इसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षा है तेजस्वी यादव की, ये परीक्षा है एनडीए की, नीतीश कुमार और आरजेडी की, बीजेपी की, हाँ बिल्कुल बीजेपी की। चलिए, तो जाहिर तौर पर करो या मरो की स्थिति है आरजेडी के लिए, जेडीयू के लिए और बीजेपी के लिए। प्रशांत किशोर के लिए तो वैसे भी खोने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, जो है वो पाने के लिए है। इस पूरी चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।